दोस्तों हमने क्राउन क्राउन तो नहीं मिला, लेकिन पिनियन हमने मिला। अब पिनियन की 21 बॉडी हमने नहीं डाली है, ये पूरी बेरिंग उसमें रगड़ खा के पूरी डैमेज कर दी थी, तो वो रिपेयर भी नहीं होने के लायक नहीं थी, इसलिए हमने ये नया डाला है केस। और पिनियन पुराना है और ये बेरिंग ये वाली अच्छी थी, उधर वाली दिखा था। ये देखिए ये बेरिंग हमने नहीं डाली है, तो अभी मक्खन जैसा चल रहा है। देखिए ये हमें पड़ा है 2000 का केस, और ये बेरिंग है 1300 रुपये की टोटल इतना। और इसके क्राउन की जो केस बॉडी है उसको रिपेयर करने के लिए अभी तक 4000 रुपये तो लगने वाले हैं मेरे ख्याल से। एवरीवन, तो देखिए हमने क्राउन पिनिंग को फिटिंग कर लिया है, तो ये देखिए कंपनी फिटर जैसा फिटिंग कर लिया है। ये देखिए हेलो दोस्तों, तो एक इंसान हेवी ड्राइवर कब बनता है, तो आपको बता दूं कि हेवी ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले क्राउन पिनियन तोड़ना पड़ता है। तो देखिए तोड़ दिया। तो हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे हमने ये सॉकेट क्राउन पिनियन पिनियन वाला सॉकेट हमने चेंज किया है, मेन हाउसिंग सेंटर में रहने वाला है। तो देखिए इसकी हालत, बेरिंग ने पूरा रगड़ करके पूरा ख़राब कर दिया इसको। ये रिपेयर तो हो रहा था, लेकिन वो इससे 1000 रुपये लग रहे थे, तो हमने नया 2000 वाला डाल दिया ये सॉकेट। तो अब मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये है ये कौन बेरिंग का जो पिनियन में फिट होता है, तो देखिए कैसी पूरा टूट चुका है ये पूरा। ये ऐसे चलने के बाद, बेरिंग टूटने के बाद कुछ घंटे ऐसे ही चला, इसलिए इसने इस सॉकेट को भी ख़राब कर दिया पिनियन वाले। और हमने ये नया सोनालिका का जूनियन बेरिंग मंगाया है, स्वराज में आ जाता है, तो हमने ये मंगाया है सोनालिका जूनियन पार्ट। तो इसके प्राइस मैं आपको बताता हूँ, 838 रुपये इसकी प्राइस है, 3780 बेरिंग का नंबर है। क्राउन के इसके अंदर के जो रिंग रहती है, वाइशर बोलते इसको कॉपर का, ये पूरा घिस चुका है। तो भाई साहब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्ले होने आने की वजह से ये हमारा काम निकला है। ये देखिए पूरा रगड़ खा चुका है, इसमें कुछ नहीं रहा है, ये चेंज होने लगे। तो अभी लेट मशीन के पास गए हैं मैकेनिक, तो आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हमें इस पार्ट को अच्छी तरह से धो के डीजल से वॉश करके इसके सुखाने के बाद इसे फिटिंग करना है। तो इसकी हालत देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो हम अब डीजल लेके इसे साफ कर लेते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने किस तरह से साफ़ किया है, इतना साफ करने के बाद भी और हमें एक बार अच्छी तरह से कपड़ा मार लेना है, क्योंकि इस पर साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो एम्बरेज जो रहती है वो ना उसकी वजह से फिर से कोई हाइड्रोलिक में फॉल्ट आ सकता है, इसलिए हमें अच्छे से हो सके इतना डीजल से पानी से साफ कर लेना है। तो इससे कुछ पुराना कुछ मटेरियल यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, खराब वेस्टेड मटेरियल, तो इसलिए हमें देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ली है। पिनियन हमने तो पहली वाली कल ही इसे फिट कर दिया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। पार्ट वन में हमने वो बताया है हमने फिट कर लिया था, तो आप देखिए कितनी स्मूथ तरीके से ये वर्क कर रहा है। देखिए ये वाला सॉकेट हमने नया डाला था, ये वाला तो ये नया डाल दिया, इसकी यहाँ की बेरिंग भी नई डाल दी गई है। ये फिल्टर भी अंदर का हाइड्रोलिक का इंटरनल फिल्टर हमने चेंज कर दिया है। तो देखिए अब बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई कर चुके हैं। ये सॉकेट हमें 2000 का पड़ा था, आपको दिखाया था, तो वो पूरा घिस चुका था, तो हमने ये नया मंगाना पड़ा। वो रिपेयर हो जाता लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाता, वो जल्दी ख़राब हो जाता, इसलिए हमने नया चेंज कर दिया है। ये हमें पड़ा है 2000 का, और बेरिंग पड़ा है 338 रुपये का, तो वो दो खर्चा। और अब क्राउन की जो केस रहती उसको रिपेयर करने के लिए गए हुए हैं, तो आने के बाद आपको दिखाते हो। तो लेट मशीन से वर्क होकर आ चुका है हमारा क्राउन का केस। तो देखिए
बहुत अच्छी तरह से काम हो चुका है। तो इस साइड से देखिए भाई साहब, थोड़ा सा भी प्ले नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी तरह से काम हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लेट मशीन से आए, मतलब लेट मशीन पे ये दो सामान ले गए थे, तीन। इसको अभी फ़िलहाल खोलने का रह गया है, ये ऐसा नहीं घूम रहा है, थोड़ा जाम है तो ऐसा घूम रहा है। ये देखो ऐसा घूम रहा है इसके अंदर डालने के बाद। और इसके अंदर थोड़ा होम आया था तो इसको भी लेट मशीन ने, वो बेरिंग एकदम नीचे जो बेरिंग दिख रही है वो नई बैटरी थी पहले, तो अभी उसको मतलब लेट मशीन से घिस के लाए तो फिलहाल बैठ गई है। और इसको थोड़ा थोड़ा घास पेपर से घिसा है वहीं पे लेट मशीन पे। तो दिखाते हैं आपको ये खोल के इसके अंदर कैसे बिठा है। तो ये नटा खोलना पड़ता, इस ये नट खोल के पूरे स्टार गियर की असेंबली दिखाती है। ये देखो इसका काम क्रिया है, ये देखो। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से घूम रहा है। तो पहले इसमें थोड़ा डैमेज होने की वजह से वो आसानी से काम नहीं कर पा रहा था। तो लेट मशीन से वर्क होने के बाद अब उसे साफ करना पड़ता है डीजल से अच्छी तरह से, फिर साफ करके इसे असेंबल करना पड़ता है। वो वर्क किया हुआ है उसका एमरी उसके अंदर रहने की वजह से वो अच्छे बने हुए पार्ट को भी डैमेज कर सकता है, इसके लिए उसे डीजल से अच्छी तरह से साफ करके फिट करना पड़ता है। तो क्राउन की असेंबली फिट करके आपको मिलते हैं। हमारा फिटिंग हो चुका है, ये देखो बहुत सारा हो रहा है। ये ड्रम के नट टाइट कर रहे हैं और इधर के क्लच प्लेट नहीं बदले अभी तक, ब्रेक के प्लेट नहीं बिठाए। इसका गियर भी रह गया, ये देखो कुछ इस टाइप का हो चुका है। आगे मिलते हैं। तो हमने ब्रेक हाउसिंग लगा दिए है और इसमें लाइनर फिट कर चुका है, ब्रेक शॉकर भी लगा दिया है। तो अब आना बोन लगा के इसे फिट कर दे रहे हैं। तो मिलते हैं आगे। तो हाइड्रोलिक ऑयल को हम अच्छी तरह से छानकर डाल रहे हैं हाउसिंग में। ये हाइड्रोलिक क्लिप कवर बिठाने के लिए तैयार। और अब इस पैकिंग पे हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा रहे हैं ताकि आसानी से लिप कवर उस पर बैठ जाए। तो लिप कवर हमने बैठा दिया है, बोल्टा टाइट करने बाकी, टायर अभी बिठा रहे हैं। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अब शाम के 7 बज चुके हैं और अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम यहाँ इस साइड के ब्रेक के ड्रम को पैक कर रहे हैं। तो लिप कवर के बोल्ट टाइट हो रहे हैं तो हम फटाफट इसे पैक कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक को स्टार्ट करने की बारी है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक का एयर निकल कर हाइड्रोलिक को प्री करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये हाइड्रोलिक, तो हमारा हाइड्रोलिक का एयर निकल चुका है और अब हो रही है, बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स रहा है काम का। तो देखिए डाउन भी हो चुकी रही है नीचे करने का लीवर, तो हाइड्रोलिक हमारी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। साफ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है हाइड्रोलिक के लिए, नहीं तो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम कर सकती है। तो फाइनली अब हम देखेंगे ट्रैक्टर को आगे बढ़ा के कि हमारा क्राउन पिनियन का काम सक्सेस कितनी अच्छी तरह से सक्सेस हो चुका है। तो चलो देखते हैं क्राउन पिनियन हमारी कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो बढ़ा आगे बढ़ा। तो दोस्तों हमारा काम हो चुका है सक्सेस। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं हम ऐसे नए नए वीडियो के साथ। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।